हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी जहाँ कहीं से मुझे देख रहे हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैरियत से फिट फाट हों। तो जी, ये मैं जो ना सुबह सुबह अपनी किचन में, आज है संडे और अनयूजुअल जो है ऐसा नहीं होता, आज मैं इधर हूँ। संडे मॉर्निंग मीन्स के इतने बजे, 9 बजे मैं आज किचन में हूँ। और क्या इमरजेंसी हो गई जी, मैं सुबह 9 बजे संडे वाले दिन किचन में क्यों हूँ? हमारे यहाँ आ रहे हैं जी गेस्ट कुछ, मेरी एक नंद है और उनके ससुराल वाले सब आ रहे हैं, तो उन्होंने बनाए हैं दोपहर में, ठीक है ना। हमने इनवाइट किया हुआ है, लंच पे उनको इनवाइट किया हुआ है क्योंकि उन्होंने आना है दूर से, तो बस फिर इधर वो लंच पे आएंगे। 9 बजे का टाइम है तो बस मैं आपको दिखाती हूँ क्या लंच की तैयारी हो गई है और क्या होने जा रही है अभी। कोफ्ते मैंने बनाए थे, कोफ्तों का सालन कल रात में प्रिपेयर करके रख लिया था। अभी मैं बनाने जा रही हूँ जी पुलाव, और एक मेरी नंद है वो बनाएंगे जी चिकन कढ़ाई, ठीक है। तो बस ये है, अभी ये करना है फिलहाल। तो बस अभी मैं 9 बजे उठ गई हूँ, बाकी अभी सब जो है सो रहे हैं। अभी लेट सोए थे सारे के सारे, तो मैं भी लेट सोई थी लेकिन फिर भी उनसे पहले से हो गई थी, मैं उठ गई हूँ। और बस जी मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कोफ्तों का सालन जो कि मैंने रात को प्रिपेयर करके रखा था। ये देखें, ये कोफ्ते हैं इसमें, ठीक है। ये किचन में ही था, ठंड की वजह से जम गया है, अब मैंने इसको करना है गरम। ये बिल्कुल रेडी है, अंडे बॉयल होकर इसमें डल जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ जी मटर पुलाव की तैयारी। तो जी ये है जी संडे का व्लॉग जो आप लोग देख रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि गेस्ट वगैरह आ रहे थे, तो बस इसलिए जो है मॉर्निंग में सुबह जो है उठ गई थी मैं, और बाकी सब भी फिर उठने लग गए थे क्योंकि जाहिर है जब गेस्ट वगैरह ने आना होता है तो घर में हर तरह की तैयारी चल रही होती है, हर चीज़ की प्रिपरेशन चल रही होती है, और बस यही था। तो इधर मैं फिर किचन से इधर आ गई थी और फिर अपने रूम को भी मैं ठीक ठाक कर रही थी क्योंकि इसके बाद सब सेटिंग वेटिंग, सब रूम घर को सब सेट करना था, और अपनी जो काम वाली है जो आती है डेली सफाई वगैरह करने, उसको हमने कहा था कि जी आ जाना, लेकिन वो नहीं आ सकी, तो फिर मैं दूसरी अरेंज की, उसका इंतज़ाम किया। है भैया, ठीक है, ये क्या हुआ, ये नोज पे, ये आइस पे, आइस पे क्या हुआ है, चोट लग गई होगी, किससे, कैसे? तो नेल्स, नेल का निशान है भाई। चलो जी उठो, फेस वॉश करके आओ। कोई आया है? तो जी टाइम जो था वो शॉर्ट था क्योंकि गेस्ट वगैरह ने 12 बजे तक, मतलब 12-1 बजे तक उन्होंने टाइम दिया था, उन्होंने पहुंच जाना था यहाँ पे। और यहाँ पे जी मैंने आपको दिखाया, मैं बना रही थी मटर पुलाव, और मेरी एक सिस्टर इन लॉ हैं वो आई हुई थी, वो चिकन कढ़ाई बना रही थी, और कोफ्ते तो मैंने आपको बताया कि मैंने रात को ही तैयार करके रख ली थी क्योंकि आजकल जी गैस प्रॉब्लम भी चल रहा है सर्दियों में, तो उस हिसाब से फिर मैनेज करना होता है सारा जो भी काम वाम होता है, तो इसीलिए मैंने कोफ्ते पहले से रेडी करके रख लिए थे। और ये मटर पुलाव भी बस अब डन है, और घर में हमने बना लिया था जी ये मटर का पुलाव और चिकन कढ़ाई और कोफ्तों का सालन, और बाहर से जो रेडीमेड मंगवाया वो फ़िश मंगवा ली थी। इधर एक करीब में बहुत अच्छी मज़ेदार सी, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सरदार की फ़िश मिलती है सरदार मछली के नाम से, तो बहुत अच्छी होती है, टेस्टी, उसका मसाला वगैरह बड़ा अच्छा फ्राई हुआ हुआ लगा हुआ होता है, फ्राई हुआ हुआ होता है मतलब, उसके साथ बहुत मज़े का होता है। तो बस वो मंगवा लिया था, और साथ में स्वीट में हमने बहुत ही यम्मी सी खीर मंगवाई थी जो कि हमें भी बहुत पसंद है, और जो गेस्ट आ रहे थे ना तो उन्हें भी बहुत पसंद है, तो उन्हीं के हिसाब से हमने वो मंगवाई कि भाई जो आ रहा है उसकी पसंद की ही स्वीट मंगवा ली जाए, तो वो बहुत मज़े से खाएंगे, खुश होके खाएंगे। तो बस यहाँ पे गेस्ट आ गए थे और यहाँ पे जो है हमारी मेड जो है वो ये सर्व कर रही थी, ये लेकर जा रही थी जी जूस वगैरह, जूसेज हैं, तो बस आते के साथ ही हमने उनको ये सर्व किया। गेस्ट वगैरह जो आ रहे थे तो 2 बजे, 1:30 बजे तक वो पहुंच गए थे हमारे घर पे, और बस अब माशाल्लाह सब कुछ रेडी था, हर चीज़ रेडी थी। अभी हम दोबारा गरम कर रहे थे खाना सारा, ताकि जो है इसको गरम गरम सर्व किया जाए क्योंकि ज़ाहिर है सर्दियों का मौसम है, तो खाना तो वैसे भी गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा तो खाना अच्छा भी नहीं लगता।
तो बस फिर हमने जो है खाना सर्व किया उनको, क्योंकि उन्होंने फिर निकलना था वापसी के लिए जल्दी। तकरीबन 1:30-2 बजे तक ये लोग आ गए थे और 4:30 बजे तक ये लोग फिर निकल गए थे, क्योंकि इन्होंने यहाँ से लाहौर से जाना था जी सियालकोट। सियालकोट से आए हुए थे तो ज़ाहिर है फिर टाइम तो लगता है मतलब रास्ते में, तो इसलिए वो लोग चाह रहे थे कि जी हम जल्दी निकल जाएं। वैसे भी आजकल फॉग वगैरह की वजह से ना ये मोटरवेज जो हैं वो रात में बंद हो जाती हैं शाम के बाद, उधर नहीं ट्रैफिक अलाउ किया जाता, उधर नहीं अलाउ किया जाता जाना, तो इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि जी मगरिब से पहले पहले ही निकल जाया जाए। तो बस फिर वो लोग मगरिब से पहले ही निकल गए थे, खाना वाना खा के और चाय वाय पी के, तो बस फिर वो लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे। और अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ जब जो है सारे गेस्ट वगैरह चले गए थे, तो ज़ाहिर है उसके बाद कभी एक बड़ा काम होता है, तो बस सारा जो है बर्तन वर्तन किचन जो है वो सब जो है दे दिया था हमने अपनी काम वाली के हवाले कर दिया था, भई आपने धोने बर्तन, उन्होंने सारे धोए बर्तन, और बर्तन तो उन्होंने धो लिए थे, लेकिन यह है कि उसके बाद जो है समेटा समाटी करना और चीज़ों को जगह पे रखना वो सारा तो ज़ाहिर है फिर हमारा ही काम होता है, वो तो फिर वो नहीं कर सकती जो मेट वगैरह आती हैं, वो उस तरीके से नहीं कर सकती जैसे हम कर सकते हैं। तो बस फिर मैंने उनको सारा सब कुछ साफ़ कर करके मैं देती गई, वो धोती गई, और उसके बाद भी जी सारा कुछ जगह पे रखना, फिर मैंने वो सारा कुछ किया। ये मैं आपको यही दिखा रही थी कि अब सारे गेस्ट वगैरह चले गए थे, जो नंद आई हुई थी वो भी चली गई थी अपने घर पे, तो रात को ही मैंने सोचा कि सारा किचन जो है ना वो सारे बर्तनों से कर दिया जाए साफ़, और मैंने उसी टाइम पे सारे जगह पे रखे जो भी हमने डिनर सेट निकाला हुआ था गेस्ट वगैरह के लिए, तो वो सारे मैंने इसको प्रॉपर जगह पे हर चीज़ को रख ली थी, क्योंकि इस तरह से मुझे ना जब तक प्रॉपर काम ना हो जाए ना मुझे चैन नहीं आता, तो उसी टाइम बस मेरा होता है कि सारा काम उसी टाइम पे करके रखूं, मतलब रात को जब मैं सोऊं ना तो किचन बिल्कुल साफ सुथरा हो। तो बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग, पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर देगा, ठीक है, और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इसके बगैर सब्सक्राइब किए बगैर आपने वॉच ही नहीं करना, पहले सब्सक्राइब कर दें फिर वॉच किया करें, और लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।